6 इंच का वॉइस कॉल और 2500 वाट की आरएमएस पावर, काफ़ी हेवी कॉम्बिनेशन है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक 18 इंच के अंदर 6 इंच वॉइस कॉल के साथ में 2500 वाट आरएमएस पावर वाले स्पीकर के बारे में। ये डिटेल सुनते आपको एक अलग कंपनी का जो स्पीकर आता है उसके बारे में आपको दिमाग में आ रहा होगा कि वो हो सकता है, बट दोस्तों वो नहीं है। एक जाना माना आपका ब्रांड है और एक रिलायबल ब्रांड है, उसी कंपनी के स्पीकर के बारे में बात करेंगे। कौन सी कंपनी का स्पीकर होने वाला है और क्या इसका प्राइस है, क्या इसका डिटेल वगैरह है और कैसा इसका रेस्पॉन्स है, सभी कुछ आपको डिटेल वगैरह इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों कि आपको कैसा स्पीकर देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज है हमारे पास एनएक्स ऑडियो कंपनी की तरफ से आने वाला 18 इंच का बेस स्पीकर। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसका, डबल कार्टून पैकिंग के साथ में और थर्मोकोल के साथ में, पॉलीथीन के अंदर भी आता है। और आप अभी देख सकते हो, आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा हेवी स्पीकर मिल रहा होगा, बट यहाँ पे आपको फाइनली स्पीकर देखने को मिलता है। हीट वेंटिलेशन सामने से देखने को आपको मिल रहा होगा, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इस बार। और लीड वायर भी काफ़ी अच्छा गेप और विथ स्कैनर के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। और फिर यहाँ पे चेचिस काफ़ी हेवी है, चेचिस का कोई ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, नॉर्मली काफ़ी हेवी चेचिस देखने को मिलता है। यहाँ पे स्कैनर है, स्कैन करके आप ओरिजिनलिटी की पहचान कर सकते हो। तो यहाँ पे हीट सिंक दिया गया है सामने बड़ा, और साइड में छोटे छोटे रुद्रा 1825 मॉडल नंबर है, 2500 वाट आरएमएस और 4000 वाट प्रोग्राम पावर दी गई है कंपनी की तरफ से। 8 ओम इंपीडेंस है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स 32 हर्ट्ज से 0.8 हर्ट्ज के आसपास, सेंसिटिविटी 96.5 डीबी हो गया। वॉइस कॉल जो इसका सबसे मेजर पॉइंट है, 6 इंच का वॉइस कॉल है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है और मैग्नेट साइज 280x40 का देखने को मिलता है। 6 इंच का वॉइस कॉल और 2500 वाट की आरएमएस पावर, काफ़ी हेवी कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और हीट वेंटिलेशन भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा दिया गया है, और आप यहाँ पर इनका गेप भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। और मैग्नेट साइज मैंने आपको बता दिया, 280x40 का मैग्नेट दिया गया है डुअल मैग्नेट के साथ में, और पूरा एक सेपरेट मैग्नेट है, ऐसे नहीं है कि 34 मैग्नेट के अंदर है, दो मैग्नेट है, दोनों ही सेपरेट मैग्नेट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो सेपरेट मैग्नेट हो गए दो, और एक जो मैग्नेट है 280x40 का mm के अंदर मैग्नेट दिया गया है। हीट सिंक आपको काफ़ी अच्छा हीट सिंक दिया गया है, वॉइस कॉल आपका कहीं पर भी गर्माने का शिकायत नहीं आएगा, आराम से आपका वॉइस कॉल जो है काफ़ी अच्छा ठंडा रहेगा दोस्तों। और ब्लैक एंड रेड इसका टर्मिनल हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे अभी बाकी का जो डिटेल अभी आगे देखेंगे, इसका जो लीड वायर है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जहाँ तक फ्लेक्सिबल काफ़ी अच्छा है इसका जो लीड वायर है। और चेसिस फ्रेम आपको देखने में लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका देखने को मिलता है चेसिस फ्रेम के अंदर, ठीक है। और मैग्नेट साइज बता दिया, और सामने से जो इसका पेपर कोन है 3 लेयर एक्स मास के साथ में देखने को मिलता है, जो इसका पेपर कोन आपको देखने को मिलता है। डस्ट कैप भी देख सकते हो, और 3 लेयर यहाँ पे पेपर कोन आप देख सकते हो। वैसे तो आपको 5 इंच वॉइस कॉल वाले और 6 इंच वॉइस कॉल वाले स्पीकर के साथ में 2 लेयर एक्स मास देखने को मिलता है, बट इसके साथ में आपको 3 लेयर एक्स मास देखने को मिलता है। वॉइस कॉल आप यहाँ पर देख सकते हो, मशीन शील्ड डस्ट कैप देखने को मिलता है आपको, और डस्ट कैप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे पेपर कोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। और अगर आप इसको अपने कैबिनेट के अंदर फिट करते हो तो विथ एलएम की बोल्टी आपको फिट करना पड़ेगा, बाकी है जो तोड़ देंगे। यहाँ पे जो स्पाइडर है वो काफ़ी अच्छा, यानी कि जो सिलिकॉन स्पाइडर होता है वो देखने को मिलता है, डुअल स्पाइडर हो गया और विथ एलएम की नट बोल्ट फिटेड, यानी कि आपका स्पाइडर है जो कहीं जाने वाला नहीं है स्पीकर को छोड़ के। और स्पाइडर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और वैसे काफ़ी अच्छा स्पीकर है, यहाँ पे ऐसा नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा स्पीकर के अंदर। प्राइस जो है दोस्तों, अभी के टाइम पे जो ये वीडियो अपलोड हो रहा है इस टाइम पे, तो इसका जो प्राइस है आपको अप्रोक्स 22 से 23,000 रुपये के, 22 और 23,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसमें भी हो सकता है कि आपको प्राइस कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है प्राइस, क्योंकि आपको पता है कि कम या ज़्यादा होता रहता है, वैसे तो कम होता नहीं है, प्राइस बढ़ता ही है। और ओवरऑल स्पीकर का जो लुक है आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैसा आपको लुक देखने को मिलता है। आगे टेस्टिंग भी करेंगे, टेस्टिंग जो है दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा यूँ नहीं है कि आपको कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे, बड़ा जो बिग हैवी एम्पलीफायर होते हैं इसके साथ में फिट टेस्टिंग कराएंगे, नॉर्मली छोटा सा एम्पलीफायर उस पर आपको चला के दिखाएंगे पेपर कोन का जो रिस्पॉन्स है।
तो हेडफोन लगा के रखिए, कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कमेंट करके जरूर बताइए स्पीकर के बारे में, कैसा स्पीकर आप अगर कोई यूज़ करते हैं तो। प्राइस मैंने बता दिया है, अगर खरीदना चाहे तो एनएक्स ऑडियो का डीलर है राजस्थान जयपुर के अंदर सरस्वती इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका यहाँ पर एड्रेस दे दूँगा, उनसे खरीद सकते हो आप जयपुर से हो राजस्थान से हो। तो चलिए टेस्टिंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्पीकर के बारे में जान के कैसा लगा, अगर आप भी लेना चाहो तो ले सकते हो, आपको यहाँ पे इसका बिल दिखा देता हूँ कहाँ से आप ले सकते हो अगर राजस्थान से हो तो आप। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद दोस्तों।